आदिवासी महिला। देश के प्रथम नागरिक का चयन और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संसदीय व्यवस्था विधायिका की गई, लोकतांत्रिक तरीके से समाज के ऐसे वंचित समूह और जिनका लंबा विधायी और संसदीय जीवन, महामहिम राज्यपाल के रूप में जिनका शानदार और जानदार अनुभव, महिला तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि ये भीमराव अंबेडकर का ही संविधान है कि जिसके बदौलत समाज के वंचित समूह भी आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में अपना शपथ ले सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं और देश का आत्म गौरव बढ़ा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर लोगों ने राजनीति की? इस पद की तो गरिमा अलग से है, लेकिन उम्मीदवार पर राजनीति होना नहीं, नहीं। और खास करके कटाक्ष ऐसे ऐसे सब नहीं, नहीं। ये दुर्भाग्यजनक है। देश के प्रथम नागरिक का जब लोकतांत्रिक तरीके से चयन हो रहा हो तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाना, यह राजनीति के जो बदलते स्वरूप हैं, ईर्ष्या द्वेष का जो नया दौर आया है उसका, और भाषाई दरिद्रता का यह सब प्रकटीकरण है। अब इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। बात आ रही है कि ओथ में जदयू के तरफ से नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अब इस संबंध में जब हमको अद्यतन जानकारी नहीं है तो हम क्या टिप्पणी करेंगे? हमको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। उसका अर्थ अनर्थ निकाला जा रहा है। अरे अर्थ नहीं, भाई हम लोग तो समर्थन में थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली रही है, आपने देखा होगा, चाहे वो प्रणब मुखर्जी जी का मामला हो या दूसरे मामले हो, माननीय रामनाथ कोविंद जी का हो, हम तो पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इस ढंग की राजनीति से हम लोग परहेज करते हैं।